हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। व्यक्तित्व के सेकंड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था व्यक्तित्व का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत, और व्यक्तित्व से संबंधित हमें दो ही सिद्धांत पढ़ने को मिलते हैं केवल। पहला आल्पोर्ट का सिद्धांत, जिन्होंने शील गुणों का सिद्धांत दिया, और दूसरा आरबी केटल का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है कारक विश्लेषण सिद्धांत या शील गुणों का कारक विश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, तो दो सिद्धांत हम पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत पढ़ेंगे शील गुणों का सिद्धांत, शील गुणों का सिद्धांत, और ये दिया है आल्पोर्ट ने, आल्पोर्ट ने। और आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा में क्या कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ क्या कर लेता है, अपूर्व समायोजन। यानी मन और देह, आंतरिक तथा बाहरी गुणों की बात किसने करी थी, आल्पोर्ट ने करी थी। और यहाँ पर इन्होंने व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत दिया, शील गुणों का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि ये शील गुण होते क्या हैं। तो शील गुण का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो प्रत्येक व्यवहार में अपना प्रत्येक समस्या के सामने या प्रत्येक कार्य के प्रति अपना एक ही व्यवहार प्रदर्शित करता हो, वो कहलाता है शील गुण। यानी वातावरण में जो भी उद्दीपक उसके सामने आता है, सभी उद्दीपक के प्रति एक जैसा बर्ताव करना शील गुण कहलाता है। या मैं कह सकती हूँ कि एक इंसान अपने अच्छे चाहने वालों के साथ तथा बुरे चाहने वाले व्यक्तियों के साथ में यदि एक ही जैसा व्यवहार करे तो वो कहलाता है उसका शील गुण। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी में एक शील गुण था, कौन सा, अहिंसा, है ना। उनके सामने उनका शत्रु आ जाए या मित्र आ जाए, वो सभी के साथ में कौन सा व्यवहार करते थे, अहिंसा संबंधी व्यवहार। यानी उनका जो शील गुण था वो क्या था, अहिंसा शील गुण। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि ऐसा शील गुण, ऐसा व्यवहार जो प्रत्येक उद्दीपक के साथ में आपको एक जैसा बर्ताव करने पर मजबूर करे, वो कहलाता है शील गुण। ठीक है, अब शील गुणों का सिद्धांत आल्पोर्ट ने दिया था 1961 में, और जो आल्पोर्ट जी थे ये अमेरिका के थे, अमेरिका में ये सिद्धांत दिया था। और आल्पोर्ट ने दो प्रकार के शील गुण बताए, आल्पोर्ट ने शील गुणों की संख्या कितनी बताई, दो प्रकार की। पहले शील गुण को इन्होंने नाम दिया सामान्य शील गुण, और दूसरे शील गुण को नाम दिया विशिष्ट या व्यक्तिगत शील गुण, विशिष्ट या व्यक्तिगत शील गुण। दोनों में अंतर है, सामान्य जो कॉमन है सभी में पाए जाते हैं, ऐसे शील गुण जो सामान्य रूप से हमें सभी में देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, सामान्य शील गुण। जबकि विशिष्ट शील गुण में इन्होंने बताया कि ये व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में सारे ही शील गुण पाए जाए। ठीक है, ये विशिष्ट होते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग, यानी व्यक्ति विशेष में पाए जाने वाले शील गुण क्या कहलाएंगे, व्यक्तिगत शील गुण या विशिष्ट शील गुण। ठीक है, तो सामान्य शील गुण की क्या हो जाएगी कि ये सभी में पाए जाते हैं, विशेषता है कि सभी में पाए जाते हैं, और विशिष्ट शील गुण क्या होते हैं, व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। ठीक है, सामान्य शील गुण में इन्होंने बताया प्रशंसा, सम्मान, सहयोग। प्रशंसा, सम्मान, सहयोग को आल्पोर्ट जी ने सामान्य शील गुणों की श्रेणी में रखा। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में प्रशंसा करने का शील गुण पाया जाता है ना, किसी न किसी की तो प्रशंसा करता ही है। सम्मान सभी को, मतलब थोड़ा सभी को नहीं तो किसी, अपने मम्मी पापा को तो सम्मान जरूर देगा वो। सहयोग, सहयोग की भावना सभी में थोड़ी बहुत पाई जाती है। यानी ये जो शील गुण होते हैं ये सभी में पाए जाते हैं, थोड़े थोड़े, ठीक है, किसी में ज़्यादा भी पाए जाते हैं। विशिष्ट शील गुणों को इन्होंने तीन भागों में बांटा, विशिष्ट शील गुणों को तीन भागों में बांटा। पहला बताया इन्होंने प्रमुख शील गुण, प्रमुख शील गुण। दूसरा बताया केंद्रीय शील गुण, केंद्रीय शील गुण। और तीसरा बताया गौण शील गुण। देखो तीनों में इतना सा अंतर है कि
कि प्रमुख शील गुण में क्या होता है कि ऐसा शील गुण जो व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में दिखाई दे, ऐसा शील गुण जो व्यक्ति के प्रत्येक, वो कैसा भी कार्य करो, कोई सा कार्य करो, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई सा भी कार्य करो, उसका जो शील गुण होगा वो उसके प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देगा, ठीक है। जबकि केंद्रीय शील गुण में क्या होता है कि ये शील गुण केंद्र में रहते हैं, हर वक्त बाहर हमें दिखाई नहीं देते, यानी छिपे हुए रहते हैं, परिस्थिति आने पर बाहर निकलते हैं। यानी केंद्रीय शील गुण में क्या हो जाएगा कि ऐसे शील गुण जो कभी कभी दिखाई देते हैं वो हो जाएंगे केंद्रीय शील गुण। और गौण शील गुण इसमें क्या होगा कि ऐसे शील गुण जो व्यक्तित्व के निर्धारण में कम महत्व रखते हैं, यानी ये क्या होते हैं, कम व्यापक होते हैं। जैसे एक विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल का रखना है ना, विशेष प्रकार के कपड़ों का पहनना, इससे आपके व्यक्तित्व का निर्धारण हो ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है। यानी ये क्या होते हैं, व्यक्तित्व निर्धारण में कम प्रभावशाली होते हैं, कौन से, गौण शील गुण। जबकि प्रमुख शील गुण भी व्यक्तित्व के निर्धारण में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है वो होता है केंद्रीय शील गुण। व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, केंद्रीय शील गुण की। तो तीनों की विशेषताएं हम समझते हैं। पहला है प्रमुख शील गुण, इसकी विशेषता है कि व्यक्ति के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारण में विशेष भूमिका, इनकी विशेष भूमिका होती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं, व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं। कौन से शील गुण, प्रमुख शील गुण। उदाहरण के तौर पर अभी हमने लिया था महात्मा गांधी का अहिंसा शील गुण। ये शील गुण उनका प्रमुख व्यवहार में दिखाई देता था। कर्ण की बात हम करें तो कर्ण में कौन सा शील गुण था, दानवीरता, ठीक है। तो इसका कौन सा शील गुण हो जाएगा, दानवीरता। कर्ण से कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी मांगेगा तो वो दे देगा, यानी उसमें कौन सा शील गुण है, दानवीरता का, ठीक है। हिटलर नाम आपने सुना होगा, हिटलर, इसमें कौन सा शील गुण था, तानाशाही का, तानाशाही है ना, ये इसमें शील गुण था। इसके प्रत्येक व्यवहार में तानाशाही झलकती थी, यानी जिस ऐसा शील गुण जो व्यक्ति के हर व्यवहार में दिखाई दे, प्रत्येक व्यवहार में दिखाई दे, वो होगा प्रमुख शील गुण, ठीक है। केंद्रीय शील गुण की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं ना, हर समय हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। और व्यक्तित्व निर्धारण में सबसे अधिक भूमिका, सबसे अधिक, देखो भूमिका तो इनकी भी होती है, विशेष भूमिका, लेकिन सबसे अधिक जो भूमिका होती है वो होती है केंद्रीय शील गुण की। और केंद्रीय शील गुण में आ जाएगा नियम, संयम, दया और परोपकारिता। नियम, संयम, दया और परोपकारिता है ना, नियम, संयम, दया और परोपकारिता केंद्रीय शील गुण के उदाहरण है। गौण शील गुण सबसे कम व्यापक, सबसे कम व्यापक है ना, ज्यादा नहीं होते हैं, ज्यादा व्यापक नहीं होते हैं। और व्यक्तित्व निर्धारण में सबसे कम भूमिका, कम व्यापक होते हैं, व्यक्तित्व निर्धारण में सबसे कम भूमिका होती है, ठीक है, किनकी, गौण शील गुण की। जैसे विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल का रखना, विशेष प्रकार के कपड़ों का पहनना, विशेष प्रकार की खान पान करना, ठीक है, ये आपके गौण शील गुण का उदाहरण है। हमने पढ़ा आलपोर्ट का शील गुणों का सिद्धांत। आलपोर्ट ने कब दिया था, 1961 में, अमेरिका के थे। दो प्रकार के शील गुण बताए, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। जो सभी में पाए जाते हैं सामान्य शील गुण, जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं विशिष्ट शील गुण। विशिष्ट शील गुणों को इन्होंने तीन भागों में बांटा। पहला है प्रमुख शील गुण, जिसे कार्डिनल शील गुण भी कहा जाता है। दूसरा है केंद्रीय शील गुण, तीसरा गौण शील गुण। प्रमुख शील गुणों की व्यक्तित्व के निर्धारण में विशेष भूमिका होती है तथा ये व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार में दिखाई देते हैं। और केंद्रीय शील गुण कभी कभी दिखाई देते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है।
तीसरा है गुणशील गुण व्यक्तित्व के निर्धारण में सबसे कम भूमिका होती है तथा ये कम व्यापक होते हैं। ये आलपोर्ट का सिद्धांत हमने पढ़ा। दूसरा सिद्धांत आता है कारक विश्लेषण सिद्धांत। कारक विश्लेषण सिद्धांत या इसी को कहते हैं शील गुणों का कारक विश्लेषण सिद्धांत। पहला केवल शील गुणों का सिद्धांत था, इस पर कारक शब्द भी जुड़ गया है, यानी शील गुणों के कुछ कारक बताए हैं और किसने, आरबी केटल ने, केटल ने दिया है ये, केटल आरबी केटल, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, केटल ने 17,953 कारकों का विश्लेषण किया, 17,953 या कह सकते हैं कि 17,953 शील गुणों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया और उनमें से 160 कारकों की पहचान की। 17,953 में से केवल कितने की पहचान की, 160, इतनों का विश्लेषण किया और इनमें से 160 की पहचान की। बाद में इन्होंने 11 और इसमें जोड़े, 11 कारक और इसमें जोड़े तो टोटल हो गए 171, ठीक है। 171 कारकों में से इन्होंने 35 कारकों को विशेष बताया, 171 में से 35 को विशेष बताया, 35 विशेष कारक बताए और इनमें से भी 23 सामान्य बताए और 12 असामान्य, ठीक है। 23 सामान्य कारक बताए जबकि 12 असामान्य, सामान्य मतलब जो सामान्य व्यक्ति में पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं नॉर्मल, और असामान्य मतलब जो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते हैं। 12 असामान्य और 23 सामान्य, जो सामान्य कारक इन्होंने बताए उनमें से केवल 16 मुख्य कारकों की इन्होंने पहचान की, 16 मुख्य कारकों की पहचान की। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केटल का जो कारक विश्लेषण सिद्धांत है उसमें मुख्य कारकों की संख्या कितनी है, 16, या इन्हें हम कह सकते हैं कि 16 मुख्य शील गुण है, 16 मुख्य शील गुण। इन शील गुणों को मापने के लिए उन्होंने एक मापनी बनाई थी जिसका नाम है 16 PF मापनी, 16 PF मापनी मापनी का नाम है, शील गुणों को मापने के लिए 16 PF मापनी। पी से हो जाएगा पर्सनालिटी, एफ से हो जाएगा फैक्टर, जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं 16 व्यक्तित्व कारक मापनी, 16 व्यक्तित्व कारक मापनी। किसने बनाई थी, केटल ने बनाई थी अपने कारक विश्लेषण सिद्धांत में शील गुणों को मापने के लिए। अब देखो इन्होंने दो प्रकार के शील गुण बताए, कारक ने दो प्रकार के शील गुण बताए, एक इन्होंने बताया स्त्रोत शील गुण जिसे हम मूल शील गुण भी कहते हैं, स्त्रोत शील गुण, और दूसरा बताया सतही शील गुण, सतही शील गुण। देखो स्त्रोत या मूल शील गुण या मुख्य शील गुण, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्त्रोत शील गुण के आधार पर सतही गुणों का निर्माण होता है। क्या कहा केटल ने कि व्यक्ति में स्त्रोतशील गुण पाए जाते हैं उसके आधार पर उसमें सतहीशील गुणों का निर्माण होता है, यानी स्त्रोतशील गुण कहाँ होता है, अंदर, जबकि सतहीशील गुण कहाँ होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम महात्मा गांधी जी का ही उदाहरण वापस लेते हैं कि उनमें एक अहिंसा संबंधी स्त्रोतशील गुण था, अहिंसा क्या हो जाएगा उनका, स्त्रोतशील गुण, ठीक है, ये अंदर है। अब इस अहिंसा के कारण महात्मा गांधी जी सबसे क्या करते थे, दया संबंधी व्यवहार करते थे, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे, सबके साथ परोपकार की भावना रखते थे, सबके साथ परोपकार की भावना रखते थे, ठीक है, दया रखते थे, मित्रवत व्यवहार करते, परोपकार की भावना रखते थे, सभी का सहयोग करते थे, सभी का सहयोग करते थे और सदैव क्या करते थे, सत्य बोलते थे। देखो हमने क्या देखा कि महात्मा गांधी में एक शील गुण पाया जाता है अहिंसा, अहिंसा शील गुण को हमने कहाँ रख दिया, स्त्रोत शील गुण में। अब इस स्त्रोत शील गुण के आधार पर सतही शील गुणों का, ये सारे क्या है, सतही शील गुण,
स्रोतशील गुण के आधार पर सतहीशील गुणों का निर्माण होता है। जैसे अहिंसा के कारण वो सभी जीवों के प्रति दया रखते थे, सभी से मित्रवत व्यवहार करते थे, सभी के साथ सहयोग की भावना रखते थे, सत्य बोलते थे, परोपकारिता की भावना रखते थे और सभी का क्या करते थे, सम्मान करते थे। ये सारे उनके क्या थे, सतहीशील गुण। समझ आया आपको कि केटल ने दो प्रकार के शील गुण बताए, स्त्रोत और सतही। स्त्रोत शील गुणों की संख्या या मुख्य शील गुणों की संख्या उन्होंने कितनी बताई, 16, और एक मापनी का निर्धारण किया जिसका नाम है 16 PF मापनी। ठीक है, यह व्यक्तित्व के दोनों सिद्धांत हमने कंप्लीट किए, पहला आलपोर्ट का जो 1961 में दिया था और दूसरा केटल का जो जिसका नाम है कारक विश्लेषण या शील गुणों का कारक विश्लेषण सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ने के बाद आगे हम पढ़ते हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ठीक है, और ये विधियाँ हमें बताती है कि यदि व्यक्ति में व्यक्तित्व है तो उसका मापन किस प्रकार हम कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने बुद्धि मापन पढ़ा था कि यदि व्यक्ति में बुद्धि है तो उसका मापन हम कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्तित्व में पढ़ेंगे कि यदि व्यक्ति में पर्सनैलिटी है तो उसका मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो टॉपिक होगा हमारा व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। और व्यक्तित्व मापन के दो प्रकार की विधियाँ प्रचलित है, पहली है प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि, और दूसरी है अप्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। अब देखो दोनों में अंतर हम पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या होता होगा, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि इसमें जो होता है अचेतन मन का अध्ययन होता है, और हमने देखा था कि सिगमंड फ्रायड ने जो अपना मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत बताया था उसमें मन के 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। वहां पर हमने देखा था कि अचेतन मन का प्रतिशत कितना था, 90%, यानी 9/10। तो प्रक्षेपी विधियों में जो हमारा 9/10 है या कहें 90% जो भाग है उसका अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपी विधियों में, और किस प्रकार से इन विधियों में जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है उसमें व्यक्ति से स्वयं नहीं पूछा जाता, किसी उद्दीपक के माध्यम से, उद्दीपक यानी बाहरी कोई वस्तु या व्यक्ति के माध्यम से उसकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, यानी प्रक्षेपी विधियों में क्या हो जाएगा कि इन विधियों में अपनी भावनाओं और विचारों को, व्यक्ति के अंदर जो भावनाएं चल रही है, जो विचार चल रहा है, उसे स्वयं न बताकर किसी उद्दीपक के माध्यम से बताया जाता है प्रक्षेपी विधियों में, जबकि अप्रक्षेपी विधियों में व्यक्ति स्वयं बताता है। ठीक है, एक एक करके हम सारी विधियाँ पढ़ेंगे। तो प्रक्षेपी विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड जिन्हें हम कहते हैं, इनमें जो विधियाँ आती है वो आती है सबसे पहली IBT। ठीक है, IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट है ना, हिंदी में कहेंगे तो इसे शाही दब्बा परीक्षण या रोर्शक शाही दब्बा परीक्षण कहा जाता है, क्योंकि इसे किसने बताया था, रोर्शक मनोवैज्ञानिक ने बताया था। पहला है IBT, दूसरा है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तीसरा है CAT, प्रक्षेपी विधियों के नाम देख रहे हैं हम, फिर इसके बाद सभी की एक एक डिटेल पढ़ेंगे। IBT सबसे पहली, TAT, CAT, CAT की हो जाएगी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट है SCT, SCT, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण, ऐसा परीक्षण जिसमें कुछ वाक्य आपको दे दिए जाएंगे छोटे छोटे जिनमें कुछ रिक्त स्थान होंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना रहेगा, यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। नेक्स्ट है GAD, सॉरी इससे पहले आती है WAT, छठी आती है GAD। देखो प्रक्षेपी विधियों में IBT, TAT, CAT, SCT, WAT, GAD ये सारी विधियाँ शामिल हैं,
अब हम बात करते हैं अप्रक्षेपी विधियों की। पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। अप्रक्षेपी विधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली विधि का नाम दिया आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ या इन्हीं को कहा जाता है व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। दूसरी इन्होंने बताई वस्तुनिष्ठ विधियाँ, आत्मनिष्ठ और दूसरी बताई वस्तुनिष्ठ। तीन भाग बताए थे इनके, पहला आत्मनिष्ठ, दूसरा वस्तुनिष्ठ और तीसरा बताया मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। वस्तुनिष्ठ, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। तीनों को हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल है। आत्मनिष्ठ विधियों में सबसे पहली विधि है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार, इंटरव्यू मेथड जिसे हम कहते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना साक्षात्कार विधि कहलाता है। आत्मकथा विधि, आत्मकथा विधि। दूसरी है प्रश्नावली, प्रश्नावली या इसी को कहा जाता है परिसूची विधि, परिसूची विधि। साक्षात्कार, आत्मकथा, प्रश्नावली, परिसूची तथा इतिहास गाथा विधि, इतिहास गाथा विधि। यह है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां। दूसरी आती है वस्तुनिष्ठ विधियां, और वस्तुनिष्ठ विधियों में पहली है निरीक्षण या बहिर्दर्शन, निरीक्षण या बहिर्दर्शन विधि। दूसरी है समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। तीसरी आती है निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी। ठीक है, यह है वस्तुनिष्ठ विधियाँ। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में पहली है स्वप्न विश्लेषण विधि, यानी स्वप्न का विश्लेषण करना। तो पहली हो जाएगी स्वप्न विश्लेषण विधि। दूसरी है स्वतंत्र या मुक्त, स्वतंत्र या मुक्त शब्द साहचर्य विधि। स्वतंत्र या मुक्त शब्द साहचर्य विधि। देखो, हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, और व्यक्तित्व मापन की विधियों के दो प्रकार है, प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में निम्न विधियाँ शामिल है IBT, TAT, CAT, SCT, WAT, GAT। अप्रक्षेपी विधियाँ तीन प्रकार की बताई गई, आत्मनिष्ठ साक्षात्कार विधि इसमें शामिल है, आत्मकथा प्रश्नावली और इतिहास गाथा। दूसरी है वस्तुनिष्ठ, इसमें निरीक्षण और समाजमिति तथा निर्धारण मापनी शामिल है। मुख्य वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं ये। मनोविश्लेषणात्मक विधियों में पहली है स्वप्न विश्लेषण विधि तथा दूसरी है स्वतंत्र या मुक्त शब्द साहचर्य विधि। ठीक है, अब हम एक एक प्रकार करके इन सभी विधियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रक्षेपी विधियाँ, यानी ऐसी विधियाँ जिनमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता हो, या जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्वयं न बताकर किसी उद्दीपक के माध्यम से बताता हो, वो कहलाती हैं प्रक्षेपी विधियाँ। और सबसे पहली हम पढ़ेंगे IBT, सबसे पहली विधि पढ़ेंगे IBT। ये हो जाएगा इंक ब्लॉट टेस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं रोशा शाही धब्बा परीक्षण, रोशा शाही धब्बा परीक्षण। रोशा नाम इसलिए क्योंकि इसे देने वाले थे हरमन रोशा, हरमन रोशा ने इसे दी थी 1961 में। हरमन रोशा कब दी, 1921 में दी थी, और ये जो थे स्विट्जरलैंड के थे।
हरमन रोशिया कहाँ कहते हैं, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। देखो इस विधि में क्या होता था कि 10 कार्ड होते थे, कुल 10 कार्ड, जिसमें 5 कार्ड जो होते काले व सफेद होते थे, काले व सफेद, जबकि 2 कार्ड काले व लाल होते थे, काले व लाल, और जो 3 कार्ड होते थे वो रंगीन होते थे, यानी रंगीन मतलब विभिन्न, कोई सा भी रंग हो सकता है, इसमें विभिन्न रंगों के होते। देखो टोटल कार्डों की संख्या पूछी जाए तो कितनी, 10। 10 कार्डों में 5 कार्ड जो होते काले व सफ़ेद, 2 कार्ड काले व लाल, और 3 कार्ड जो होते थे विभिन्न रंगों के होते थे। अब इसमें जो परीक्षण किया जाता था वो 3 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए था, 3 से 19 वर्ष के बच्चों का इसमें परीक्षण किया जाता था, है ना। समय पूछ लिया जाता है कि हरमन रोशर शाही डब्बा जो परीक्षण है उसमें किस उम्र के बच्चों का परीक्षण किया जाता है, तो उसमें 3 से 19 वर्ष के बच्चों का परीक्षण किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जिस बच्चे का परीक्षण होता है उसे एक एक करके 10 कार्ड दिए जाते हैं, एक साथ में 10 नहीं दिए जाते, एक एक करके 10 कार्ड दिए जाते हैं, और उन कार्ड पर कुछ विशेष प्रकार के शाही से बनी हुई आकृति होती है, है ना, कुछ विशेष प्रकार की शाही से बनी हुई आकृति, ठीक है। मान लो ये शाही से बनी हुई कुछ आकृति है, और बच्चे को इसमें कहा जाता है कि ये जो आकृति है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आकृति किससे बनाई जाती है, शाही से, है ना। और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को इस आकृति में अलग अलग, इस शाही के डब्बे में अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती हैं, और जो जिस प्रकार की आकृति वो देखेगा और उसमें जिस प्रकार की विशेषता बताएगा उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। यानी क्या किया कि 10 कार्ड बच्चे को एक एक करके 10 कार्ड दिए, है ना, और उससे पूछा गया कि ये जो शाही का धब्बा है इसमें आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। इस कार्ड के आधार पर, इस आकृति के आधार पर बच्चे से 4 प्रश्न किए जाते हैं, है ना, बच्चे से 4 प्रश्न किए जाते हैं कि पहला प्रश्न कि आपको इस आकृति में क्या दिखाई दे रहा है, यानी पहला प्रश्न क्या हो गया कि आकृति किसकी है, किस चीज की, किस वस्तु की आकृति है, पहला प्रश्न क्या आपने देखा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि आपको इस आकृति में कौन सा गुण दिखाई दिया, ऐसा कौन सा गुण है जो आपको आकर्षित करता है इस आकृति में, ठीक है। दो प्रश्न, पहला कौन सी आकृति आपने देखी, दूसरा प्रश्न आकृति के कौन से गुण ने आपको सर्वाधिक आकर्षित किया, और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि गुण तो इसमें है लेकिन किस स्थान वाले गुण ने आपको सर्वाधिक आकर्षित किया, कौन सी आकृति देखी, कौन सा गुण देखा, तथा किस स्थान पर सर्वाधिक आप आकर्षित हुए, यानी तीसरा प्रश्न है स्थान से संबंधित, और चौथा प्रश्न है कि इस आकृति को देखने में आपने कितना समय लिया, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं रोश शाही डब्बा परीक्षण में होने वाले व्यक्तित्व परीक्षण की। 10 कार्ड बच्चे को दिए, 5 काले सफ़ेद, 2 काले और लाल, और 3 विभिन्न रंगों के, एक एक कार्ड दिखाते हुए पूछा गया कि ये जो शाही डब्बा है इसमें आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, उस आकृति में कौन सा गुण है, तथा किस स्थान ने आपको सर्वाधिक आकर्षित किया, तथा देखने में आपने कितना समय लगाया। इन प्रश्नों के आधार पर बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, कौन से बच्चे के, 3 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, ठीक है। 1921 में दिया था और हरमन रोशा ने दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये परीक्षण, सारे फैक्ट इसके बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट परीक्षण आता है CTAT। नेक्स्ट परीक्षण की हम बात करते हैं TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये हो जाएगा थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, हिंदी में कहेंगे इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। और इसे देने वाले हैं मॉर्गन एवं मुर्रे, दो मनोवैज्ञानिक हैं मॉर्गन
एवं मुर्रे। और 1935 में इन्होंने दिया था, मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में इसे दिया था। इसमें जो कार्डों की संख्या होती है वो 31 होती है, और 31 कार्डों में क्या होता है, 30 कार्ड पे तो चित्र होते हैं, 30 कार्ड चित्र वाले होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ उसमें आकृति आपको दिखाई देगी, और जो एक कार्ड होता है वो खाली होता है, एक कार्ड क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि 30 कार्ड है जिसपे चित्र है, ये जो चित्र होते हैं 10-10 तीन कार्डों में बैठे हुए होते हैं। 10 कार्ड में पुरुषों के चित्र होते हैं, यानी 10 कार्ड किसके लिए हैं, पुरुषों के लिए। 10 कार्ड महिलाओं के चित्र, यानी 10 कार्ड महिलाओं के लिए होते हैं। और जो 10 कार्ड होते हैं उनमें पुरुष तथा महिला दोनों के लिए होते हैं, यानी इन कार्डों पे पुरुषों तथा महिलाओं के दोनों के चित्र होते हैं। आप देख रहे हो प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण में टोटल 31 कार्ड हैं, 30 कार्ड पे चित्र हैं तथा एक कार्ड खाली है। 30 कार्डों में 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। अब क्या होता है कि जिस बच्चे का परीक्षण होता है 14 वर्ष से ऊपर के बालकों के लिए है, 14 वर्ष से ऊपर के लिए। अब जिस बच्चे का परीक्षण होता है उसे इनमें से 20 कार्ड दिए जाते हैं। परीक्षण के लिए कितने कार्ड दिए जाएंगे, 20 कार्ड, ठीक है। 20 कार्ड पे चित्र रहेंगे और एक कार्ड खाली दिया जाएगा, यानी टोटल कितने कार्ड दिए जाएंगे, 21। अब 20 कार्ड एक साथ नहीं दिए जाएंगे, 10 एक बार दिए जाएंगे और 10 एक बार दिए जाएंगे, ठीक है। 10-10 कार्ड दो बार बच्चे को दिए जाते हैं तथा अंत में उसे एक खाली कार्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने जो पहले कार्ड देखे हैं चित्र वाले, उन कार्डों के आधार पर इस खाली कार्ड में एक कहानी लिखो, छोटी सी एक कहानी आपको लिखनी होती है। इस खाली कार्ड में क्या होता है, पूर्व कार्डों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। देखो हमने क्या समझा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने परीक्षण किया, मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में। टोटल कितने कार्ड है, 31, 30 भरे हुए तथा एक कार्ड खाली। 30 कार्डों में 10 महिलाओं के लिए, 10 पुरुषों के लिए तथा 10 दोनों के लिए होते हैं। जिस बच्चे का परीक्षण होता है 14 वर्ष से ऊपर के, उसे 20 कार्ड दिए जाते हैं 10-10 दो बार, और एक कार्ड खाली दिया जाता है अंत में। उस खाली कार्ड में उसे पुराने 20 कार्डों के आधार पर एक कहानी लिखी लिखनी होती है, और उस कहानी पर, कहानी लिखने के बाद उसे चार बिंदुओं पर, वो जो कहानी लिखनी होती है उसे इन चार बिंदुओं पर लिखनी होती है। पहला बिंदु है कि वह कौन है, वह मतलब वो जो चित्र, जो चित्र उसे दिखाया गया है उस चित्र में कौन है, पहला प्रश्न है। चार बिंदुओं पर कहानी लिखनी होती है, वह कौन है, यानी जो चित्र में है वह कौन है, ठीक है। दूसरा प्रश्न होता है कि इस समय वह क्या कर रहा है, इस समय वह क्या कर रहा है, या फिर इस समय क्या हो रहा है, इस समय क्या हो रहा है। तीसरा प्रश्न उससे किया जाता है कि इससे पूर्व क्या हुआ होगा, इससे पूर्व क्या हुआ होगा। और चौथा प्रश्न किया जाता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आपने देखा कि बच्चे को 20 कार्ड दिए तथा एक कार्ड में उसे कहानी लिखनी है पुराने 20 कार्डों के आधार पर जिसमें चित्र बने हुए थे, और कहानी क्या लिखनी है कि वो जो चित्र आपने देखा उसमें कौन था, वह चित्र में कौन था तथा उस समय, यानी इस समय चित्र में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ होगा तथा अंत इसका क्या होगा, आगे क्या होगा। बच्चा उस कहानी में जो लिखता है उस आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण करता, उसका परीक्षण करता है, ठीक है। ये दो परीक्षण हमने पढ़े, पहला पढ़ा हमने IBT, दूसरा पढ़ा TAT, आगे हम देखते हैं CAT। तीसरी विधि आती है व्यक्तित्व मापन की, CAT। CAT ये हो जाएगा चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट।
हिंदी में कहें इसे बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण। देखो इसके परीक्षणकर्ता थे लियोपोल्ड बेलो, बाल अंतर्बोध परीक्षण के परीक्षणकर्ता हैं लियोपोल्ड बेलो, और इन्होंने ये जो परीक्षण किया था 1948 में किया था, लियोपोल्ड बेलो 1948। देखो इस परीक्षण में क्या होता है कि 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए था ये, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 ही कार्ड पर जानवरों के चित्र बने हुए होते हैं। 10 ही कार्ड काय के लिए होते हैं, जानवरों के चित्र वाले, जानवरों के चित्र। अब बच्चे को एक एक कार्ड दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इस जानवर की क्या विशेषता आपको अच्छी लगी, या इस कार्ड में आपको कौन से जानवर ने सर्वाधिक आकर्षित किया। टोटल कार्डों की संख्या पूछी जाती है, सीएटी में कितने कार्ड होते हैं 10, जबकि टीएटी में 31 होते हैं, और आईबीटी में भी कितने होते हैं 10 होते हैं, और सीएटी में 10 होते हैं और 10 ही किसके होते हैं, जानवरों के होते हैं। अब देखो भारत में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इसका जो परीक्षण है सीएटी का वो किसने किया था। ये जो परीक्षण था सीएटी, इसमें जो ये 10 कार्ड थे जानवरों के, ये सारे जानवर विदेशी थे, यानी भारत का कोई भी जानवर इसमें नहीं था, इसलिए इसका परीक्षण उमा चौधरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा चौधरी ने भारत, ये जो जानवर है इन जानवरों को स्थापित, मतलब इनको इनके जगह पे दूसरे जानवरों को स्थापित किया भारत के, यानी इनका अनुकूलन समायोजन कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा चौधरी ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत में इसका परीक्षण किसने किया, वो किया था उमा चौधरी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी। ठीक है, ये सीएटी हमने कंप्लीट किया। चौथी विधि आती है एससीटी। ये हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण। देखो इसमें क्या होता है कि पाइन एवं टेंडलन ने इसका परीक्षण किया था 1930 में। नाम है पाइन एवं टेंडलर, परीक्षण 1930। होता क्या है इसमें कि आपको 12 अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, या मैं कहूँगी 12 अधूरे वाक्यों की एक छोटी सी कहानी भी बन सकती है। तो एक छोटी कहानी आपको दी जाती है जो अधूरी होती है, और उस कहानी को या उन 12 वाक्यों को आपको पूरे करने होते हैं। वो जो 12 वाक्य होते हैं, सारे वाक्य म से शुरू होते हैं, म अक्षर से सारे वाक्य शुरू होते हैं। यानी क्या होगा इसमें, 12 अधूरे वाक्य होते हैं, 12 अधूरे वाक्य सभी काय से शुरू होते हैं, म अक्षर से शुरू होते हैं, सभी म अक्षर से शुरू होते हैं। जैसे एक वाक्य दिया कि मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री देश 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 है, यानी मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री। अब बालक के जो फेवरेट प्रधानमंत्री होंगे, जो उसे पसंद होंगे, वो यहाँ पर भर देगा। अब जिस प्रधानमंत्री का नाम वो यहाँ पर फिल करेगा, उस प्रधानमंत्री से उसके व्यक्तित्व को जोड़ा जाएगा, यानी उस प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व होगा बच्चे का भी वो ही व्यक्तित्व माना जाएगा। मान लो यहाँ पर बच्चे ने भर दिया मोदी जी, है ना, और मोदी जी का व्यक्तित्व क्या है, बहुत बोलते हैं, वाचाल है, यानी व्यक्तित्व कैसा माना जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है, जो आशावादी होता है, मिलनसार होता है, जो बहुत बोलता है।
और यदि बच्चे ने यहाँ पर वर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो फिर आप देख रहे हो व्यक्तित्व कैसा माना जाएगा, अंतर्मुखी, जो बिल्कुल नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, एकांत में रहना जिन्हें पसंद है, ठीक है। और वाक्य हम देखें तो यहाँ पर एक और वाक्य हम ले सकते हैं कि जब मैं, यानी यहाँ पर शुरू हुआ कि मैं दुखी होता हूँ तब, मैं दुखी होता हूँ तब, बच्चा क्या करता है यहाँ पर फील कर देगा। यदि वो दुखी होता है तब कुछ किताबें पढ़ता है, गेम खेलता है, टीवी देखता है, क्या करता है, जो भी उसे पसंद होगा यहाँ पर फील कर देगा। और हो सकता है कि जैसे मेरे पसंदीदा, या फिर मेरी पसंदीदा बुक कौन सी, मेरी पसंदीदा पुस्तक, डैश डैश डैश, यदि बच्चे को कोई धार्मिक पुस्तक पसंद होगी तो उसका जो व्यक्तित्व मान लिया जाएगा कौन सा, धार्मिक व्यक्तित्व। और हो सकता है उसे कोई दूसरी पुस्तक पसंद हो, तो यानी वो जो भी यहाँ पर फील करेगा उस हिसाब से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लिया जाएगा, ठीक है। ये है एससीटी वर्गीकरण में ऐसा होता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व वर्गीकरण की लास्ट विधि है प्रक्षेप विधियों में GAD। GAD ये हो जाएगा गेम एंड ड्रामा टेस्ट, गेम एंड ड्रामा टेस्ट, यानी खेल या नाटक, खेल या नाटक परीक्षण। ये जो परीक्षण था ये मानसिक रोगियों के निर्धारण हेतु बनाया गया था, यानी मानसिक रोगियों की पहचान करने के लिए बनाया गया था, और ये परीक्षण जेकाब मोरेनो ने बनाया था, यानी परीक्षणकर्ता कौन है, जेकाब मोरेनो, और किसके लिए बनाया था, मानसिक रोगियों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए। अब इस परीक्षण में क्या होता था कि जिस व्यक्ति का, जिस मानसिक रोगी का परीक्षण हो रहा होता, उसे खेल एवं नाटक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति का अभिनय करवाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति, उसे बता दिया जाता है कि इस व्यक्ति का आपको अभिनय करना है नाटक के माध्यम से, खेल के माध्यम से। तो इस मानसिक रोगी से, जो जिसका परीक्षण हो रहा होता है, उसे किसी व्यक्ति का अभिनय करवाया जाता है, किसके माध्यम से, खेल एवं नाटक के माध्यम से, जेकब मोरेनो की परीक्षण विधि जिसका नाम है GAD, ठीक है। हमने पढ़ी प्रक्षेपण विधियाँ, जिसमें सबसे पहली थी IBT इंक ब्लड टेस्ट, दूसरी थी TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और तीसरी थी CAT चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, फिर हमने पढ़ी SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, और लास्ट में हमने पढ़ी GAD गेम एंड ड्रामा टेस्ट। ये सारी प्रक्षेपी विधियाँ हमने कंप्लीट करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अप्रक्षेपी विधियाँ तथा उन विधियों का वर्गीकरण की अप्रक्षेपी विधियों के माध्यम से व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।